¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! मकर संक्रांति, दैट्स वाई वी आर हैविंग खिचड़ी। जिया जी, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। ओके, इट्स 9:30 AM एंड वी लीव फॉर लखनऊ जू इन फ्यू मिनट्स आफ्टर हैविंग खिचड़ी। दोस्तों, हम तैयार हैं। आज हमारा सबसे पहले प्लान है लखनऊ जू जाने का। लखनऊ जू में स्थित म्यूजियम को भी हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद में दोपहर के बाद अमीनाबाद मार्केट में जाएंगे शॉपिंग के लिए। उस बीच हम लखनऊ के प्रसिद्ध खाने के स्थानों पर भी जाएंगे और वहां का टेस्ट जानेंगे। तिलक है, तिलक में भी रहना है शाम को। पापा, वो जू जा रहे हैं। पीपल का सीजन है। ओ पापा, जू नहीं, जू जू जा रहे हैं, जू। ये ब्रिज जो बना है ना लखनऊ को, पूरा गोल चक्कर लगाया है। कौन सा है जो साइड? ये वाला। अच्छा, वही शहीद पथ नाम ले रहे थे ना, वो यही शहीद पथ है। तो ये पूरे लखनऊ का एक राउंड लगाया हुआ है शहीद पथ, मतलब गोल नाम है। अगर इसको पकड़ के चलेंगे तो गोल घूम के एक ही जगह आ जाएगा। हाँ, इसको हाँ, फिर यहीं आ जाओ। तो क्यों बनाया है फिर? लखनऊ घर दूरी नज़दीक हो गई ना, अंदर से नहीं जाना पड़ता। जैसे एयरपोर्ट जाना होता तो एकदम अंदर से ही जाना पड़ता। अब इसके बन जाने से बाहर 15 मिनट पहुंच जाते हैं, 15-20 मिनट में। अच्छा, एयरपोर्ट तो नज़दीक तक हो गया ना। हाँ, नज़दीक हो गया। पूरा लखनऊ में अब कहीं भी जाना होता है ये शहीद पथ पकड़ लीजिए, फिर वहाँ पहुंच जाएंगे। सिटी से होके नहीं जाना पड़ता। देख रहे हो, गोमती नगर विस्तार कहा जाता है इसको। अच्छा, पूरे एरिया को। और यहाँ पर गोमती में जब बाढ़ आती थी ना तो सब पानी में डूबा रहता था। अभी सब गोमती पे बांध बना दिया गया है। ये बाएं साइड में मुख्यमंत्री अखिलेश का निवास है। कहाँ? बाएं साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, ये नहीं मतलब उसके आगे ही है, लेकिन यही चौराहा है। ओके, यही से मुख्यमंत्री का निवास है। देखो, लिखा है ना मुख्यमंत्री आवास। ओके, इधर सीएम रेसिडेंस अखिलेश यादव। कोई भी रहेगा, मुख्यमंत्री यहीं रहेगा। हाँ, पीछे गया। ये चिड़ियाघर सामने है। ठीक है जी, हाजी टिकट। कितने लोग हैं? चार एडल्ट और एक हाफ और एक कैमरा। 320 ना। कार्ड वगैरह लेते हो कि कैश? कैश ही। ठीक है, 320 ना। पेटीएम भी नहीं? पेटीएम भी नहीं लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं।
थैंक यू। चलो भैया चालू है ये, टिकट लेना पड़ेगा। हम लोग देखो इतने लोग हैं, पूरी गाड़ी भी 200 में जाती है। आप लोग जिसमें बैठते हैं कितना टाइम घुमाते हैं? 15-20 मिनट का कैजुअल राउंड। अब बताओगे बीच बीच में ना सब जगह? चलो ठीक है, 200 रुपये का पूरा बुक कर लेते हैं। हाँ। बेस्ट। अरे अंदर कोई नहीं है क्या? अरे चलेगा, चलो बैठो बैठो बैठो, सब लोग बैठो। कार्ड कैश कुछ नहीं, कार्ड वगैरह नहीं लेते भैया जी? कार्ड वगैरह नहीं लेते नहीं। अच्छा भाई किधर बैठू? एक मिनट भैया। वाओ फ्रेंड्स, इस समय हम लखनऊ जू में घूम रहे हैं। इस जू का नाम नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है। पहले इसे प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन्स के नाम से जाना जाता था। यह जू काफ़ी बड़ा है। इस जू में बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और टॉय ट्रेन दोनों भी हैं। इस समय मैं बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल पर बैठकर जू को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं शेयर करना चाहता हूँ इस जू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यह जू सोमवार के दिन बंद रहता है। होली के अलावा बाकी सभी फेस्टिवल पर यह ओपन रहता है। हफ्ते के बाकी दिनों में यह जू सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, जब भी आप लखनऊ जू में टिकट विंडो पर आएँ तो इन दो बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पर दो टाइप की टिकट अवेलेबल हैं, एक होती है नॉर्मल एंट्रेंस टिकट और दूसरी है पैकेज टिकट। नॉर्मल एंट्रेंस टिकट पे आप लखनऊ जू में एंट्री कर सकते हैं, एक्वेरियम हाउस में जा सकते हैं, नॉक्चरल हाउस में जा सकते हैं, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर में जा सकते हैं। अगर आप पैकेज टिकट लेते हैं तो आप इन सभी स्थानों पर जा सकते हैं और उसके अलावा आप टॉय ट्रेन और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल पर भी बैठ सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप एक नॉर्मल टिकट खरीदें और अंदर जाने के बाद आपकी इच्छा के अनुसार टॉय ट्रेन या फिर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का टिकट अलग से खरीद लें। एक और जानकारी दोस्तों, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस जू की और भी जानकारी और टिकट प्राइसेस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस जू की ऑफिशियल वेबसाइट www.lakhnauzoo.com पर जाकर ले सकते हैं। दोस्तों, इसी जू के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट म्यूजियम भी स्थित है। पहले ये म्यूजियम 76 मंजिल और लाल बारादारी के पास था। 1963 में इसे शिफ्ट कर दिया गया लखनऊ जू के अंदर। यह म्यूजियम भी सोमवार को बंद रहता है। इसका टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। इस जू में काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, बट यहाँ का सबसे खास अट्रैक्शन है
हुकुकू गिबन। जब भी आप इस जू में आए तो इसे देखना ना भूले। हम लोग इसको ही देखने के लिए आए ना। कुछ खा रहा है बेटा वो बोलो बुला जरा उसको। नाम क्या है? भाई अच्छा हुआ किसी को तो भाषा आती है इसकी। बोलता ही है ये बोलता है। परफेक्ट यार, कहाँ से सीखा? यही से इसी के बस ट्रेनिंग करने आ रहे थे। कल निकाल दिया। और भी है क्या? हाँ बैठो बेटा, भी बहुत कुछ पिक्चर अभी बाकी है।
बेजुबान क्रांति। फ्रेंड्स, जू में घूमते घूमते हम काफ़ी थक चुके थे। जैसे ही हम जू के बाहर जाने लगे, हमें बेजुबान क्रांति नाम से एक कैंपेन चलता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए जानते हैं ये बेजुबान क्रांति कैंपेन है क्या। ये क्या है, ये कैंपेन चल रहा है चाइनीज मांजरों को बैन करने के लिए। ऑल्दो ये बैन है, बट अभी भी ये बहुत यूज़ होता है। इससे बर्ड्स को भी प्रॉब्लम है, इंसान भी बहुत से की डेथ हो गई है। तो एक सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है इसे दोबारा से बैन करने के लिए। प्लीज़ आप वहाँ साइन करें। अच्छा, वहाँ पे साइन करना है। प्लीज़ साइन। अच्छा, मुझे लगा चाइनीज मांजा। ओके, इंडियन मांजा नहीं। इंडियन मांजा नहीं, चाइनीज। ओके, चाइनीज मांजा ग्लास से कोटेड होता है ना, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक। ओके ओके ओके। सिग्नेचर हो चाइनीज मांजा को हटाने के लिए। हाँ हाँ। कैन गेट अ प्ले पेन? ओके, कहीं भी कर सकते। दे आर वेरी हार्मफुल, इतने क्रिस्टल होते हैं। ये बर्ड्स वगैरह को भी नुकसान पहुंचता है। थैंक यू सर। लखनऊ जू। दोस्तों, ये लखनऊ जू था। अब मैं जा रहा हूँ अमीनाबाद बाज़ार के लिए। मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मुझे काफ़ी भूख भी लगी है। अमीनाबाद बाज़ार से पहले मैं यहाँ की सबसे फेमस जगह मोती महल में खाने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं गेट के उस पार। ओके, सी यू आउटसाइड। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लखनऊ जू काफ़ी पसंद आया होगा। जब भी आप लखनऊ आए तो यहाँ पर आना ना भूलें। मैंने कोशिश की कि इस जू को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ। एक चीज़ जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ वो यह है कि लखनऊ म्यूज़ियम को मैंने एक्सप्लोर तो किया, बट उसका वीडियो एडिट अभी तक नहीं कर पाया। इस वजह से उसे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मे बी इस टूर सीरीज़ के एंड में लखनऊ म्यूज़ियम का एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। दोस्तों, अगर मेरा शो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर कोई सजेशन है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं शायद से मुझे नहीं पता है, या कोई टिप है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझे बताएं कि क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि ये मैं शो आपके लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, दूसरा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें अमीनाबाद बाज़ार और कुछ खाने की जगहों पर जाना है, नॉनवेज और वेजिटेरियन प्लेसेस पे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अमीनाबाद और यहाँ की फेमस जगहों पर खाने के लिए जाएंगे। जब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, ठीक है, ओके। ये गाना इसमें बज रहा है क्या? हाँ, ये गाने वाली है। हाँ, नई रिक्शा ना इसके लिए। सर, रिमोट सिस्टम देखो, अभी बंद हो जाएगा रिमोट। अरे वाह, बताइए जरा। अब ये लॉक हो गई, लॉक हो गया। ओ, तो लॉक हो गई तो उस गाड़ी का दरवाजा किधर है जो लॉक है? अरे तो नई गाड़ी जम 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 है। अरे नहीं चल रहा है गाना आपका।